काज तुम दे सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप तो सारे कैंट ऑफ आज नए दिन के साथ नई शुरुआत हो चुकी है। और आज है 24 अक्टूबर और आज है दशहरा। दशहरा की आप सारी संगत को लख लख करोड़ करोड़ बधाई हो। और आज जैसे कि जानते ही आप, आज है 24 अक्टूबर और आज है अमृतवेला चालिया का डे 6। तो बस राइट नाउ तैयार हो चुके हैं और घर से निकल चुके हैं। हमारे साथ जा रही है मेरी छोटी सिस्टर गुंजन कौर। वाहेगुरु जी, धन गुरु नानक। हमारे साथ मेरी छोटी सिस्टर गुंजन कौर भी जा रहे हैं। उनका बहुत मन था, काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि भाई मुझे भी ले चलो। तो आज जब मैं मैं नहीं एक्चुअली वो फ्री थी क्योंकि आज दशहरा है, तो दशहरा के लिए उसकी स्कूल की भी छुट्टी थी। तो तभी मैंने कहा, मेरे को कह रही थी भाई मुझे भी लेके चल, तो मैंने उससे भी रेडी करवा लिया मॉर्निंग में। तो अभी संगत जी हम पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पर, गोल मैदान पर, और वहाँ चल के आपको मिलते हैं। तो संगत जी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आज दशहरा है, तो दशहरा के अवसर पर भी काफ़ी सारी संगत आ जाई है। तो आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारी संगत काफ़ी टाइम से आके बैठ चुके हैं और कुछ संगत को अभी तक बैठने की भी जगह नहीं मिली, तो उनके लिए बैठने का अरेंजमेंट किया जा रहा है। ज़्यादा आ चुके हैं, तो यहाँ पे टेबल्स लगा दिए ताकि संगत अंदर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। बस
सतगुर पाए सकल भगत जागा नाम दार तो संगत जी देख सकते हैं काफी सारी संगत को इस तरफ लेफ्ट साइड में जो जगह दी है उनके पास साइड में यहाँ पे मैं कुछ आगे संगत को बैठाया है बाहर जो जितनी भी जगह थी वो सारी बच चुकी थी इसलिए संगत को यहाँ बैठा संगत जी ये देखिए हमारे सारे वीर पानी की सेवा लेके जा रहे हैं।
जब समाप्ति होगी उसके बाद गुरु साहिब की जो पालकी साहब है वो लेके आएंगे, तो उस टाइम पे जो पालकी साहब के आगे झाड़ू मारने के बाद जो पानी फेंकेंगे गुरु साहब को ले जाने के लिए, तो उसके भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सब वो सब अपना सेवा में लगे हुए हैं और सारे पानी भर के भी लेके गए हैं। कहो विनती अपने सतगुर पाए, 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 सतगुर। का भी अगर आपको स्पेसिफिक ब्लॉग चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका पूरा स्पेसिफिक ब्लॉग बनाऊंगा, कितने बजे से लंगर शुरू होता है, कितना लंगर बनता है, डेली कितना संगत के लिए लंगर बनता है। और यहाँ पे चाय की सेवा चालू है, बस नहीं चल जाओ, बेफिक्र हो जाओ, गुरु को चलाना पड़ेगा, अमृत तुल्य संभालोगे तो। फिर जब बोलिए धन गुरु नानक, महापुरुष वचन किया करते थे, हम दो काम क्यों करें, एक तो अमृत तुल्य भी उठे और फिर चिंता भी करें। फिर जब बोलिए धन गुरु नानक, अगर अमृत तुल्य उठ गए गुरु ने उठा दिया, तीन पॉइंट मेन निकले हैं, तीन पॉइंट जहाँ तक मेरी बुद्धि ने काम किया, कोई ज़्यादा खोज करेगा चार पांच पॉइंट भी निकाल सकते हैं। जो दास ने खोज की जितनी मेरी सद्बुद्धि गुरु नानक ने दी, जो मैंने विचार किए उसमें से तीन पॉइंट मुझे समझ में आए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ राजा।
दशहरा और दशहरा के दिन आपने देखा कि कितनी सारी संगत बढ़ चढ़ के पहुंची थी आज भी अमृत वेले में। तो जब जब मतलब वेकेशन या हॉलीडेज होती है तो संगत बहुत ज़्यादा अमृत वेला में आती है, गुरबाणी का कीर्तन सुनती है। तो बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को ये, जब बहुत सारी संगत आते हैं ना तो बहुत सारी संगत को देख के ना मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो बस गुरु महाराज की मेहर है कि हमने 6 दिन कम्प्लीट किए हैं और इसी तरह गुरु महाराज की मेहर बनी रहे तो 40 दिन भी कम्प्लीट करेंगे। और बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, आपसे मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, रब रखा।